मथुरा के कस्बा गोवर्धन के हाथी दरवाजा परिक्रमा मार्ग स्थित मंदिर ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज में मैथिल ब्राह्मण समाज द्वारा तृतीय अन्नकूट महोत्सव एवं छप्पन भोग मनोरथ का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव में आयोजित फूल बंगला दर्शन में अविरल भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। इस दौरान बिहारी जी को नवीन आभूषण एवं पोशाक धारण कराई गई। मुख्य अतिथि के रूप में नगर के चेयरमैन खेमचंद्र शर्मा पहुंचे, जिन्होंने बताया कि समाज के उत्थान एवं भलाई के लिए ऐसे आयोजन आवश्यक हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष दाऊजी शर्मा ने बताया कि मैथिल ब्राह्मण समाज के सहयोग से ये तृतीय बार अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कर बिहारी जी महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद अर्पित किया गया है। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अन्नकूट भगवान की सामूहिक पूजा आरती के बाद 56 भोग महाप्रसाद के रूप में चढ़ाया गया। इसके बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में महाप्रसाद ग्रहण किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने अन्नकूट भगवान की पूजा परंपरा को निभाते हुए ईश्वर से क्षेत्र में सुख शांति कायम रखने की प्रार्थना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हर प्रसाद शर्मा ने की। इस अवसर पर महंत सुखदेव दास हरिवंशी वाले महाराज, मंदिर समिति अध्यक्ष दाऊजी मैथिल, उपाध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, पंडित रामदेव भारद्वाज, जिलाध्यक्ष पंडित श्यामलाल मिश्र, ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के अध्यक्ष पंडित जुगेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर घनश्याम मिश्र, सोहनलाल मिश्र, बदन मिश्र, करण सिंह मिश्रा, गंभीर शर्मा, पंडित सोहनलाल मिश्र, पंडित भोगीराम शर्मा, विष्णु शर्मा, ज्योतिराम मैथिल, धर्मवीर शर्मा, भारत शर्मा, थान सिंह मैथिल, दामोदर शर्मा, रमेश चंद झा, डॉक्टर गिरिराज शर्मा, राजेंद्र प्रसाद आदि मैथिल ब्राह्मण उपस्थित रहे। अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण महासभा के अखिल भारतीय पदाधिकारीगण एवं जिला स्तरीय पदाधिकारीगण सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सादर अभिनंदन, वंदन, नमन। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की बात विगत कई वर्षों से यहाँ पर राज बिहारी मंदिर प्रांगण में आदरणीय चेयरमैन साहब के सुपरविजन में 56 अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इस बहाने समाज का संगठन संगठित होता है, समाज में एक जागृति पैदा होती है, आपसी भाईचारा बना रहता है। मेरा यही आपसे आग्रह है कि गिरिराज जी आप पधारें, आते रहें और समाज के प्रति आपका अपना लगाव बरकरार बनाए रखें। यदि समाज संगठित है तो बहुत बड़ी ताकत है। समाज का संगठित होना बहुत जरूरी है। समाज के अंदर जैसे कि आजकल जो भी बुराइयां चल रही हैं, मेरा सभी से अनुरोध है सभी मिलजुल कर बुराइयों को दूर करें, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारें। यदि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी तो समाज का भविष्य उज्जवल होगा, समाज का गौरव बढ़ेगा। मेरी आपसे सभी यही गिरिराज महाराज यही कामना है, यही प्रार्थना है। आप सब खुशी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका परिवार सुखी रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथी दरवाजा ठाकुर बिहारी जी के मंदिर इस प्रांगण में गोवर्धन के अंदर ये 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर चेयरमैन हमारे साथ उपस्थित हैं, मंदिर कमेटी चेयरमैन साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर के सभी लोग पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य ये आयोजन ये भव्य और विशाल रूप में इसलिए किया जा रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर,
ब्रज की रक्षा के लिए के ब्रज के कर्तव्य को देखते हुए ठाकुर बिहारी जी के चरणों में हम सभी का सानिध्य और प्रणाम चरणम हम नतमस्तक होते हैं कि ठाकुर जी की कृपा अनंत रूप से हमारे ऊपर बनी रहे। मैं आज के अपने 56वें पावन पर्व पर समाज के आए हुए सभी महानुभाव एवं हमारे गोवर्धन नगर पंचायत के चेयरमैन साहब उपस्थित हैं, ब्रह्म रक्षा के कीर्ति दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित हैं और हमारे समाज की अन्य संस्थाओं के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि इस धरोहर की सुरक्षा करते रहें और समय समय पर अपना उपयोग में अपना भव्य कोई प्रोग्राम करते रहें और 56 की मर्यादा पूर्ण रूप से बनाए रखें।